आ रही है दिल्ली के मुखर्जी नगर से, ये बड़ी खबर है। जाए कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है, आग में कई लोग फंसे हुए हैं, ऐसी भी खबर है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका एक ऐसा इलाका जो काफी व्यस्तम इलाका है, जहां पर काफी तादाद में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। ऐसी जगह पर एक कोचिंग सेंटर है जहां भीषण आग लगती है, कई लोगों के फंसे होने की खबर है। लेकिन दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और हर एक व्यक्ति को बाहर निकालने की कोशिश है जारी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के मुखर्जी नगर से बड़ी खबर, जहां पर कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है और यहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं, ऐसी भी खबर है। और इसीलिए उनका रेस्क्यू करने की अब शुरुआत कर दी गई है। दमकल विभाग के कर्मचारी जो है वो मौके पर मौजूद है। अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं, वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई है। यही वो इमारत है जिसमें आग लगी है, धुएं का गुबार निकलता हुआ भी आपको दिख रहा होगा। और लोगों को नीचे निकालने के लिए, उतारने के लिए वहां मशक्कत की जा रही है। तस्वीरें देखिए, तो देखिए अफरा तफरी मची है, लेकिन इन सबके बीच में एक रस्सी के सहारे, देखिए क्योंकि टॉप फ्लोर है, वहां से नीचे लाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसपास जो लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं, जो दमकल कर्मी है वो भी पहुंचे हुए हैं। एक रस्सी के सहारे जितने भी लोग हैं, कोचिंग सेंटर है, जाहिर तौर पर बच्चे अंदर मौजूद होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, और उन्हें अब इस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। छात्र फंसे हुए हैं एक रस्सी के सहारे, क्योंकि तीसरा फ्लोर है और मुखर्जी नगर अपने आप में एक ऐसा इलाका है जो काफी व्यस्तम इलाका रहता है। कोचिंग सेंटर्स वहां पर, जहां बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए जो तैयारी करने के लिए जाते हैं, वहां एक बिल्डिंग में ऐसी आग लगती है। कोचिंग सेंटर ही था जहां पर आग लगी है और बच्चों को अब निकालने की कवायद तेज कर दी गई है। रस्सी के सहारे सभी बच्चों को निकाला जा रहा है। देखिए पहली प्राथमिकता यही है कि सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके जो उस इमारत में, जो उस बिल्डिंग में मौजूद है। ऊपर के फ्लोर पर यह आग लगी है, अब ये आग कैसे लगी ये जांच का विषय जरूर है, लेकिन फिलहाल वहां पूरा फोकस इस बात पर कि सभी बच्चों को, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, और इसीलिए रस्सी के सहारे उन्हें बाहर निकालने की कवायद भी तेज कर दी गई है। दिल्ली के मुखर्जी नगर से इस वक्त की बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 8 इंडिया पर आप देख रहे हैं। कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी है और छात्र इसके अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें फिलहाल रस्सी की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस बात को बयां करती है कि अंदर काफी बच्चे भी हैं, और जाहिर तौर पर जब ऐसे आग लगती है तो अंदर बैठे बच्चों को घबराहट भी हो रही होगी, उन्हें शांत भी करना है, लेकिन उन सभी को बाहर भी निकालना है। दमकल कर्मियों को जैसे ही इस पूरे हादसे की सूचना मिली है वो मौके पर पहुंचे हैं और दमकल कर्मी मौके पर जुटे हुए हैं कि आग तो बुझाई जाए, लेकिन जितने भी बच्चे, जितने भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उन सबको बाहर निकाला जाए। एक एक करके ये सभी छात्र, देखिए रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है और दो खिड़कियां हैं, अफरा तफरी मची है, दोनों खिड़कियों से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंदर धुआं बढ़ता जाएगा बच्चों का दम घुट सकता है, ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए कोशिश ये है कि सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। ये तस्वीर जरा आप देखिए, कैसी तस्वीर है जहां पर दो रस्सी और रस्सियों के सहारे उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी दीपक मिश्र का। दीपक, क्या अपडेट है फिलहाल खबर पर? देखिए अभी भी टीमें जो है बल्कि वो लगातार चीज जो है उसको काबू में किया जाए, क्योंकि ये गैना बिल्डिंग है मुखर्जी नगर की, जहाँ पर सिनेमा का थी। तो दीपक से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, लेकिन देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त दिल्ली के मुखर्जी नगर से, और जाहिर तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे कि बच्चे जो हैं इस बिल्डिंग में फंसे